बावजूद धनगर समाज के लोगों ने अपने हक के लिए एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। देवी अहिल्याबाई होलकर चौक से पैदल मार्च करते हुए वो जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई। इनका आरोप है कि सरकार ने 1950 से उनकी जाति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में 27वें स्थान पर रखा है, लेकिन आज भी उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे। धनगर समाज के प्रतिनिधियों का कहना है इसकी वजह से बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। बता दें मुजफ्फरनगर ये धरना प्रदर्शन जो 75 सालों से हमारे परिवार को हमें लोगों को हक नहीं मिला। हमारी जाति धनगर है और हम 1950 से जब संविधान लिखा गया था तब से अनुसूचित जाति की सूची में 27वें नंबर पर है। हमें सरकार खुले तौर पर हमारा हक नहीं दे पाई है। हमारे बच्चों को जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा, स्कूल में एडमिशन नहीं हो रहा, तो शासन या प्रशासन ये चाहता है कि हमारे बच्चा शिक्षा ग्रहण ना करें। तो ये अपने बच्चों के अधिकार के लिए ये धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया।